लगा दिया मेरा काम लगाने का था, अब आगे कुदरत के हाथ में। मैंने तो जहाँ पर पानी है वहीं पर लगा रखा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। भाई का भाई बहुत बड़ा रोल है पकड़ के उन्होंने रखा, पर ठीक है यार, यहाँ तक लाने का एक सपना था। पहला इंडियन हूँ जिसने ये सपना देखा और कंप्लीट किया। सीरियसली कह रहा हूँ, पहला इंडियन हूँ जिसने लद्दाख में पेड़ लगाए। तो भाई यहाँ से ना खड़ी चढ़ाई चढ़ के वाट लग गई, सीरियसली ऑप्शन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बेच रहे थे क्यूटी से, हंस रहे बच्चे, शर्मा गए। अभी हम उनसे लेके जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, रास्ते चली जा रहे हैं, काफी टाइम हो गया था तो चलते हैं। बच्चे शर्मा गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल वंस अगेन। तो यार थोड़ा बजट हमारा ज़्यादा होता ना, हम यहाँ पर आराम से रुकते, आराम चलते, अपना मतलब सफारी के साथ लेते, आराम से स्टे करते, बट हमारे पास टाइम का भी कमी है, ऐसे भी बहुत कम है यार। तो फिर भी हम घूम रहे हैं, चलो देखते जो भी होएगा हम देखी जाएगी। जब लास्ट वीडियो आएगी ना आपको पैसों का बताऊंगा मैं कितना मैंने यूज़ किया है इस पूरे ट्रिप पे। हम जा रहे हैं यहाँ से ले, और मैंने जिप बंद की कि नहीं की इसकी, कि मेरा मनी उड़ जाए कहीं वो भी ना बचे। हाँ, ले निकलना आज हमने किसी भी हाल में, रात हो जाए दिन हो जाए कोई मतलब नहीं हमें उससे, क्योंकि हमें यहीं पर 4 बज गए भाई। जब जहाँ अभी हम खड़े, कारगिल भी नहीं पहुँचे अभी हम, जो मेन कारगिल है जहाँ हमें पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ भी नहीं पहुँचे, और अभी हमारा तेल भी नहीं है हमारी बाइक में, और मॉर्निंग में पुलिस वाले थोड़ा लेट करा देने, तो अभी तक हम कारगिल हो जाते हैं, टच हो जाते हैं कारगिल में। मेरा जो ये क्लच है ना भाई, ये भी काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा लूज ऐसे टाइट कराना, और इसलिए मैं भगा भी नहीं रहा ज़्यादा। सागर भाई तो लगे हुए भगाने में अपना एंजॉय लेते हुए, अभी बस किसी तरह बस कारगिल पहुँच जाओ किसी भी तरह। और अभी मैं भगा नहीं रहा यार, लफड़ा यही है कि बाइक का ना क्लच की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं क्लच यूज़ कर रहा हूँ तो गियर अटक रहा है उसके, और क्लच प्लेटें ख़राब हो सकती है, तो इसलिए फिर मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ, कम से कम क्लच यूज़ कर रहा हूँ ताकि क्लच प्लेटों में प्रेशर ना आए। और ट्रैफिक रहता है वहाँ दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जहाँ पर स्लो डाउन कर रहे हैं फिर क्लच यूज़ करते हो आवाज़ आ रही है कर 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 वाली, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो गाइस देखो लोकेशन देखो भाई, क्या अल्टीमेट लग रही है, और शाम के बज गए 4 और अभी हम खड़े हैं यहाँ पर ऐसी लोकेशन, और क्या अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ से। थोड़ा मेरी बाइक में ना पिकअप नहीं आ रही, पिकअप रीजन ये है ना पिलन बिठा रखा, दूसरा क्लच भी थोड़ा ना लूज है, बहुत ज़्यादा लूज है, गियर निकालने और डालने काम आ रहा है बस, और किसी काम का नहीं है क्लच, मतलब रोकने के। तो जैसे कहते हैं ना कि इंजन ब्रेकिंग पावर, वो तो ऑटोमेटिक चल रही है, उसी के थ्रू मैं रुक रहा हूँ, या फिर बंद कर देता हूँ मैं जहाँ पर मेरे रुकना होता है 2 मिनट, ज़्यादा प्रेशर नहीं देता मैं इंजन को, उसी से कर आवाज़ आ रही है टक 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 वाली, जैसे क्लच प्लेट है ना आपस में, गियर और क्लच प्लेट आपस में टकरा रही हो, वही सीन हो रहा है। इसलिए फिर कहीं ना कहीं जाकर पहले क्लच का काम कराना पड़ेगा, तो दिक्कत हो सकती है। मैं क्लच अप्लाई नहीं कर रहा भाई, सबसे बड़ी बात कुछ भी हो जाए ब्रेक मार रहा हूँ पर क्लच नहीं दबा रहा मैं, ऐसी जगह देख लो हाथ मैंने लगाया क्लच पे। भाई सीरियसली को रोड को देख के ना मन कर रहा भगाई जाऊँ। थोड़ा सागर भाई की बाइक आपको बहुत आगे दिख रही होगी, नहीं है उसमें, वो सिंगल है और उसकी बाइक पूरा छोटो ले रही, क्लच वगैरह सब सही चल रहा है, रेडिएटर हमने कल चेक करवा लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोबारा, और जब प्रॉब्लम आते हैं हम रुक जाते हैं, पानी पुनी डाल देते हैं रेडिएटर कूलेंट वगैरह में ताकि ठंडा हो जाए, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मेरी बाइक का क्लच टूट गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आई भाई, अब पता नहीं क्या क्या होगा भाई आगे रोड ट्रिप पे, सबसे डेंजरस रोड ट्रिप पे है, सबसे टफेस्ट रोड ट्रिप भी है भाई ये, पर रोड काफ़ी प्यारे भाई यहाँ के, मज़ा आ रहा है। ब्लैक ब्लैक क्या चीज़ है यार, ये ऐसे ब्लैक पत्थर कहाँ से है, एकदम ब्लैक ब्लैक पत्थर से यार, लोकेशन के हटके नीचे देखो ब्लैक ब्लैक पत्थर, ये कैसे, ये तो बड़ा यूनिक देखा मैंने, एकदम ब्लैक ब्लैक पत्थर यार, देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैसे है आपको सामने देखोगे ब्लैक ब्लैक से पत्थर, ये पता नहीं कैसे बन रखे यार, ये ऐसा लगा इसके ऊपर बहुत सारा ऑयल गिरा दिया, बट इतना ऑयल कहाँ से आया होगा यहाँ पर, ये समझ में बात नहीं आ रही क्या हो सकता है। पानी है गुड्डू यहाँ पर लग सकता है, सागर पानी पर लेते हैं यहीं पर लगाते हैं, उतर गुड्डू यहाँ पर पेड़ लग सकता है आराम से, ऐसा तो है यहाँ पर पानी मिल जाता है ठंडा ठंडा, वो भी चिल्ड वाटर भाई का, सर ग्लेशियर का पानी है, पूरा पिघल के आ रहा है ग्लेशियर ऊपर से, और एकदम चिल्ड पानी, हमने बोतलें भर ली पी भी लिया पेट भर के, और जो यहाँ पर थोड़ा ना प्रॉब्लम आ रही बार बार बात करने से, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, रीज़न ये भाई यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत से आ रही है, लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ रही है, पता नहीं क्यों ज़्यादा तेज़ी से बोल भी नहीं पा रहा मैं, और प्रेशर पड़ रहा है माइंड पे, ऐसा लगा जैसे सर पे ना थोड़ा पेन से होने लग गया जब ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कम से कम ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मेरा क्लच में जो प्रॉब्लम है इसकी तो भाई क्या बात करनी, इसको छोड़ दो, आगे जो ग्रीन गैलरी दिख रही है आपको वहीं पर पेड़ लगा देंगे। इस यहाँ पर कुछ ना रास्ते में कुछ बेच रहे थे, हमने चेक किया भाई काफ़ी सी चीज़ें, हमें पता नहीं था कौन से फल हैं यहाँ पर होते हैं लोकल, अरे छोटे से बच्चे बेच रहे थे क्यूटी से, हंस रहे बच्चे शर्मा गए। अभी हम उनसे लेके जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, रास्ते चली जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया था।
भाई साहब कारगिल तक नहीं पहुंच पाए हम तेल भराना था वो पूरी हिल्स देखो कितनी ऊंचाई पे लगी हुई भाई। अब ये नहीं पता कारगिल कहाँ से रास्ता पड़ेगा। अभी हम कारगिल नहीं पहुंचे, सबसे बड़ी बात है भाई कारगिल का वेट कर रहे हैं हम। कारगिल पहुंचे तेल भराना है, तेल भी कम है, प्लस खाना भी खा लेंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस वो बच्चों से थोड़ा सा वो लिया था वही खाया हमने, फल थे पता नहीं कौन से फ्रूट था वो, उसी को खा के हमने थोड़ा पेट भर लिया। पेट भी कहाँ भरना, वो थोड़ा कौड़ा कौड़ा सा हो रहा था, टेस्ट ही नहीं आ रहा उसका, वो तो हार्ड था ऊपर से। कह रहे थे कि इससे ऑक्सीजन मिल जाएगी थोड़ा बहुत, हमने टेस्ट कम कर चलो ले लेते हैं, छोटे बच्चे थे हमने उन चक्कर में और ले लिए। तो खा के अच्छा लगा, बट वही है यार कि मज़ा नहीं आया वो वाला, थोड़ा पेट भर गया हल्का फुल्का, कड़वा था थोड़ा। अब फटाफट हम कारगिल पहुँचते हैं, वहाँ पर जाके थोड़ा खाना खाना खाते हैं, टैंकी फुल कराते हैं और वहीं आगे कहीं रुकने का स्टे करते हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा टफ एरिया है। भाई ने पहले बता दिया कि आगे कारगिल नहीं जा पाओगे, बहुत दूर पड़ेगा और बहुत टफ एरिया है। ग्रीन वैली देखे हुए आँखें तरस गई थी, बड़ी मुश्किल से ग्रीनरी वैली दिखी भाई, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, आँखें तरस गई थी ऐसी जगह देखने के लिए। हर जगह हमने यही बंजर से पहाड़ देख रहे, पहाड़ भी कहाँ पत्थर ही पत्थर है पूरा चोटियों तक, और साइड में देख लो भाई पानी होता है इस बार, यहाँ थोड़ा हरियाली है, अच्छा लग रहा देख के। ओ भाई ऐसे में हो जाए ना पूरा लद्दाख, कितना सही रहेगा, मज़ा आ जाएगा, ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। आप जो आओगे ना आंखों में तसल्ली मिलती है, मन करता ही नहीं कैमरा बंद करने के, पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो बन जाएगी आज, मेरे को खुद पता नहीं है, देखते फिर भी एक बना लेते हैं। हाँ एक बना लेते हैं, दो का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या सस्ता है भाई पेट्रोल, 104 चल रहा है भाई। वो हमारे साथ वाला था एक बेचारा, वो भाग गया, उसने तेल भराया नहीं गाड़ी में और उसके भाई को तेल नहीं है, तेल पेट्रोल पंप, तो भाई वो पेट्रोल पंप भरा गया, पेट्रोल भरा ले। हाँ फुल, तो जहरी कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ी भाई सीरियसली, कि अभी कह रहे हैं कि आगे बहुत पेट्रोल मिलेंगे आपको। अब वो पहले वाला लद्दाख नहीं बचा भाई जब आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे, अब हर जगह मिल जाएंगे आराम से, तो इसलिए फ़ायदा हो गया हमारा। मार्केट यहाँ पर देखो कितनी सारी ग्रीनरी है, इसे पता लगा सकते हैं आपके यहाँ पर पब्लिक रहती है। दूसरा हमने अपना टैंक करा दिया फुल भाई, पूरा टॉप अप हो गया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे जहाँ पर हम स्टे कर सके, जहाँ पर नाइट हो। ब्रो मैकेनिक शॉप कहाँ मिलेगी आगे? ओके ठीक है थैंक यू। और मैकेनिक आखिरकार हमें मिल गया, हमें काम करवाना है, यहीं पर करवा लेते हैं फटाफट। क्लच की वायर टाइट कर दो यार, टाइम जाना बहुत दूर है। क्या कह रहे हैं? टाइट कराना बस क्लच को। नीलिमा ने आज इस राइड पे धोखा दे दिया भाई, पर साथ नहीं छोड़ रही है। एक बार धोखा दिया वो भी ऐसी जगह पे जब मंजिले पहुंचा दिया, पर साथ नहीं छोड़ा, मजा आ गया। अब आ रही कोई कड़कड़ आवाज है? अब एकदम ओके हो गया भाई, मजा आ गया, अब ठीक लग रहा थोड़ा, बट इसका ओरिजिनल पढ़ाना पड़ेगा भाई, कह रहा अभी तो चल जाएगा ये, पर ओरिजिनल पढ़ा दो तो ही फायदा रहेगा। दोनों तरफ चोटियां, बीच में रोड, वो हो क्या सुहाना रील बनेगी भाई इसमें। रील तो मिलेगी आप सबको बहुत पहले ही, रील तो मिलती रह रही होगी डे टू डे, क्योंकि मैं यहाँ पर वाईफाई, बहुत सारे बंदे हैं ना यहाँ पर, लोकल सबका सिम चल रहा है, जो हम बाहर के स्टेट है ना उनका सिम नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं बाहर से सिम जो यहाँ के लोकल है जिनके रूम में हम रुक रहे हैं, जिनके होटल में सॉरी हम रुक रहे हैं, तो उन्हीं से उनका नेटवर्क ले देता हूँ आधे 15-20 मिनट के लिए, और अपनी रील्स वगैरह स्टोरी वगैरह डाल देता हूँ और घर पर कॉल भी कर देता हूँ। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि यार यहाँ पर हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा है यहाँ के प्रूफ पे, सॉरी वहाँ के प्रूफ पे, यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर अलाउड ही नहीं है भाई बाहर के बंदों को सिम देना। वैसे हमारे पास पड़े दो पेड़ और आसपास देख लो भाई लद्दाख वाला एरिया है, मैंने बोला था लद्दाख का पेड़ लगा के आऊंगा, तो ये पूरा लद्दाख है, आगे ले लग जाएगा। अब हम यहाँ से जा रहे नीचे नदी और साइड में पेड़ बहुत फल रखे, तो यहाँ पर उग जाएंगे आराम से यहाँ नीचे जाने का। तो गाइस यहाँ पर नदी का पानी है और मिट्टी भी काफ़ी अच्छी है भाई, अच्छी क्वालिटी की, तो यहीं पर हम पेड़ लगा रहे दोनों, क्योंकि अब आगे ना सारा बंजर एरिया, पानी भी नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा टफ है, इसलिए यहीं पर लगा देते हैं दोनों, उग भी जाएंगे, नदी भी है इसलिए।
भाई यहाँ से ना खड़ी चढ़ाई चढ़ के वाट लग गई सीरियसली, ऑप्शन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। थोड़ी देर रेस्ट ले, सागर भाई मेरे साथ, अभी सागर भाई नीचे ही है, वाट लग रखी है। देखो मैंने तो लगा दिया, मेरा काम लगाने का था, अब आगे कुदरत के हाथ में, मैंने तो जहाँ पर पानी है वहीं पर लगा रखा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सर फिर भी देखते हैं क्या रहता है, नेक्स्ट टाइम को भी यहाँ का गेड़ा बजाना एक बार जरूर चेक करने जाऊँगा भाई, और मज़ा बहुत आया भाई इन चीज़ करने में। हाँ गुड्डू भाई की वाट लग गई थी, वहाँ से लाने में, पेड़ लाने में गुड्डू भाई का भाई बहुत बड़ा रोल है, पकड़ के उन्होंने रखा, पर ठीक है यार, यहाँ तक लाने का एक सपना था, पहला इंडियन हूँ जिसने ये सपना देखा और कंप्लीट किया, सीरियसली कह रहा हूँ, पहला इंडियन हूँ जिसने लद्दाख में पेड़ लगाए। अगर आप सब सोच रहे होंगे ना मैं एक वीडियो में सब कुछ दिखा दूं, तो भाई बहुत टफ है एक वीडियो में आपको इतनी सारी ब्यूटी दिखाना। आप देख लो चारों तरफ, मतलब ये लगा लो, खूबसूरती भरी हुई है, और एक वीडियो में इसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए इतना टफ है ना भाई, जितना आप समझ नहीं सकते हो। हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, टीचर आपके लिए लेके आ रखा हूँ, उसमें मैंने जितनी हो सके उतना एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता रखा कि भाई किस तरह हमें निकला, किस तरह हमें प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या हमने देखा, क्या क्या हमने इस ट्रिप में फेस किया, तो ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में मिल तो गई है। बट अगर आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है तो आपको खुद आना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा सा थोड़ा बहुत देखना है तो आप मेरी वीडियोस वाली वीडियो से आप देख सकते हो, इसलिए मैं दो दो तीन दिन पार्ट एक दिन के बना रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टाइम कम है और एरिया बहुत ज़्यादा है, पूरा लद्दाख ले मनाली, जो कश्मीर से जम्मू कश्मीर होते हुए ले लद्दाख ले फिर वापस मनाली शिमला चंडीगढ़, तो देख लो कितना पूरा डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा हूँ मैं एक ही रोड ट्रिप में, और ये भी 7 दिन के अंदर, तो भाई उसके लिए हमें खींचम खींच कितनी पड़ती है और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ती है। स्टोरेज की कमी है पर मैं एक ही दिन में वीडियो एडिट कर लेता हूँ दो, और फिर चंडीगढ़ जाकर उन्हें अच्छी तरह परफेक्ट लुक देता हूँ। तो भाई अभी हम इस वाली लोकेशन पर रुका के भाई आस पास टीले देखो कितने खतरनाक लग रहे हैं, और ये सामने हम अभी पता कितने फीट पे खड़े भाई, 11,600 फीट पे खड़ रखे, और यहाँ पर देख लो भाई बाइक सागर भाई सामने लगे हुए, सामने टीला है और अल्टीमेट व्यू है भाई यहाँ पर, तब यहाँ से हम आगे निकलते फोटो शूट करके। अब शकल ना ऐसी होगी भाई 12 बज गया और सांस लेने मेरे को तो हल्की हल्की दिक्कत होने लगी, दोबारा से वही प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पीछे कुछ नहीं है, पेड़ पौधे तो एक नाम निशान नहीं है भाई, सांस लेने ना एक प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा स्पीड कम करनी पड़ेगी मैं बाइक की, और फिर चलते आगे खाना वाना, मैगी और चाय के साथ, और पीछे वादी, क्या नज़ारा है भाई। तो कैसे भी ले में ना भाई यहाँ पर कुछ जानवर दिखे हमें, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये, हमें दूर से दिख भी नहीं रहा, नाइट का टाइम है ना, खड़े हो रखे हम रुक गए देखने के लिए, और यहाँ आसपास में कोई भी इंसान नहीं है, तो पता नहीं किसके जानवर रही है, देख लो भाई बंजर है एरिया, बंजर सामने देखो कैसा दिख रहा है, मेरे को भूख लगी अभी बोला भी नहीं जा रहा, नींद भी आ रही, ठंड भी लग रही है भाई, रात के बज गए 8 और अभी करानी है RT-PCR, उसके लिए जा रहे हैं हम, यहाँ सामने मॉनेस्ट्री दिख रही होगी आप, एक डे के टाइम आते तो काफ़ी अच्छा व्यू आता, बट अभी नाइट को आ गया ठीक है, जैसा भी ये चलता है क्योंकि हमें कल ले पहुँचना है, ले के आसपास बहुत मॉनेस्ट्री है, वहाँ पर रुकेंगे आराम से, ये भी लद्दाख का एरिया ही भाई, अभी हम लद्दाख से उल्टे जा रहे हैं ले के साइड बना ले, हैबिट सी होने लग गई है, नाक में जाता निकालते हुए दर्द तो होता थोड़ी देर, तो ठीक है यार कराना कंपलसरी है, नहीं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो यही रहता है अभी यहाँ का, तो यार अभी भी ले यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है भाई, 100 किलोमीटर कम नहीं होता नाइट का सफ़र, 10 बजे तक पहुँच पाएंगे, मैं लगा दूंगा कोई नहीं, चाबी मेरे को दे दे। तो भाई रूम का हमारा जुगाड़ हो गया, हमने बात की भाई बताया अपनी प्रॉब्लम्स के, भाई हमारे जो बाइक का काम हो थोड़ा बाइक ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो अगर थोड़ा कम बजट में तो आपको रूम, और काफ़ी नाइस बंदा है यार यहाँ पर, मैंने देखा हमने जो चीज़ सुनी है ना, मतलब हमने जो टीवी पे देखी जम्मू कश्मीर इन सब जगह की और लद्दाख साइड की, वैसा कुछ नहीं है भाई, रियल लाइफ में बहुत अच्छा है भाई, यहाँ के जो पर्सन है ना लोग हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पिंग है और आपकी प्रॉब्लम में भाई सपोर्ट करेंगे, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये सब चीज़ें। एक बात है गुड्डू, हम भूखे रह जाए, कुत्ते भूखे नहीं रहने चाहिए, अपना ये अगर ब्राउन होता ना ये मेरा बुजो की तरह दिखता है, बुजो ये ब्लैक है, हवा की प्रॉब्लम है।